विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आइए आज हम बात करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा, फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा हुआ है, जिसके कि हम टॉपिक है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो आइए जानते हैं, परिभाषा देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे चित्र के लिए और यहाँ लिखेंगे कि किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश जो धन परीक्षण आवेश होता है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से मतलब कहीं से भी लाएं, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेकर आने में जो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेकर आने में प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये परिभाषा हो गई किसी परीक्षण आवेश को। चित्र बनाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में ये कोई आवेश पहले से है, इसका वैद्युत क्षेत्र पॉइंट P तक है, ठीक, इसके बीच की दूरी स्मॉल r है। अब हम क्या करेंगे, कहीं परीक्षण आवेश रखा था, धन परीक्षण आवेश, और इसको अनंत से हम कहाँ लाए, पहले वैद्युत क्षेत्र की रेखा में लाएंगे, फिर इसको धीरे धीरे खिसका करके यहाँ कहाँ लाएंगे, इसके अंदर जब लेकर आएंगे किसी परीक्षण आवेश को, ये किस परीक्षण आवेश होगा, जैसे ये 1 कूलम आवेश हो या ये 10 कूलम आवेश हो, तो इसको 1 कूलम मान लीजिए, परीक्षण मतलब छोटा आवेश। किसी परीक्षण आवेश को अनंत यानी इन्फिनिटी पे रखा हुआ, अनंत से विद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र है पी तक, तो इसके अंदर जब हम लोग लाएंगे, इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र में लेकर आने में यहाँ प्रतिकर्षण बलों के क्या करना पड़ेगा, विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जैसे ये आवेश है तो ये भाई प्लस वाला है, तो प्लस वाले को क्या करेगा, दूर भगाएगा, तो ये जो है यहाँ पर बल लगा रहा है बाहर की तरफ, और ये आएगा तो ये वाला इसको धक्का देगा परीक्षण आवेश को। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके इसको हमें वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है, तो जो लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, बस उसी कार्य को हम लोग कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेकर आने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध या प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। वैद्युत स्थितिज स्थितिज ऊर्जा, इसे हम लोग W बराबर से U लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि यह एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि कार्य जो होता है वो अदिश होता है, इसलिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यह एक अदिश राशि है। दूसरा क्या है, यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है, जो कार्य का मात्रक होगा वही स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होगा। विमीय सूत्र की बात करूं, इसका विमीय सूत्र, तो वही जो कार्य का विमीय सूत्र होगा क्या होता है, ML2T^-2। यहाँ पर जो है इसे हम लोग याद कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में फार्मूला क्या था, विभव का फार्मूला क्या पड़ा था, कि एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है विभव कहलाता है। तो W1 - W बराबर क्या हो जाएगा, VQ0। तो यही जो W है यही स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा VQ0। तो यहाँ पर ये फार्मूला हो चुका है हमारा। आइए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।